भारत के उत्तर में बसा है प्राकृतिक सौंदर्य का पर्याय हिमाचल प्रदेश। शांत वातावरण एवं स्वच्छ पर्यावरण में श्वेत हिमाच्छादित पर्वतमालाएं मानव कल्पना द्वारा रचित देव प्रवास स्वर्ग के यहीं कहीं आसपास होने का आभास दिलवाती हैं। यहां प्रकृति श्वेत व हरित वर्णों में स्वयं जीवंत रूप में दृष्टिगोचर होती है। हिमाचल के 12 जिलों में एक जिला है किन्नौर, जो कि प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रदेश की राजधानी शिमला से 200 किलोमीटर से अधिक का सफर करते हुए, सतलुज नदी के किनारे चलते हुए किन्नौर जिले की सीमा में प्रवेश होता है। किन्नौर में भी प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद शासन है। यहां एक ओर कल कल करके कुलाचे भरती हुई सतलुज नदी की लहरें यहां के जीवन की गतिशीलता की प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर श्वेत हिमशाला ओढ़े हुए जन सामान्य की आस्था के प्रतीक किन्नर कैलाश पर्वत किन्नौर की पौराणिकता व पवित्रता का प्रमाण दे रहे हैं। अस्सी हजार के लगभग जनसंख्या वाला यह जिला ऊपरी व निचले किन्नौर में बटा है। निचले किन्नौर में हिंदू धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में हैं। जबकि ऊपरी किन्नौर में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहां की मुख्य भाषा किन्नौरी है। यहां के लोग स्थान के अस्तित्व व संस्कृति को बहुत प्राचीन मानते हैं। इनका मानना है कि किन्नौर का विवरण पुराणों में किन्नर प्रदेश के नाम से मिलता है। किन्नर शब्द से ही किन्नौर बना है। किन्नर लोग देवी देवताओं का संगीत व नृत्य से मनोरंजन किया करते थे। यहां के लोगों में नृत्य व संगीत के प्रति वही प्रेम प्राचीन समय से आज तक बना हुआ है। लोक गीत संगीत व लोक नृत्य यहां के जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज भी संगीत व लोक नृत्य देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। किन्नौर में होने वाले लोक नृत्य विशेष रूप से दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक, देवी देवताओं के लिए होने वाला नृत्य, और दूसरा विवाह व अन्य सामाजिक उत्सवों पर होने वाला नृत्य। यहां के लोक नृत्यों को यहां की भाषा में कायंग कहा जाता है। शादी विवाह या किसी मेले इत्यादि के समय कायंग में स्त्री पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं। नर्तकों में सबसे आगे नर्तक दल का नेता होता है, जो कि हाथ में चामर लेकर नृत्य करता है। धीमी गति के लय के गीतों से प्रारंभ होकर नृत्य व गीत दोनों धीरे धीरे तेज लय की ओर बढ़ते हैं। गायक अलग खड़े होकर गीत गाते हैं।
नर्तक भी गायन में अनुसरण करते हैं। नृत्य के दौरान नृत्य की अवस्थाएं, गति व मुद्राएं बदलने का दायित्व आगे चल रहे नर्तक पर होता है। सभी नृत्यों में गीत मुख्यतः वीर गाथाओं, समाज के नायकों, बड़े खानदानों के वर्णन एवं देवस्तुति पर आधारित होते हैं। नृत्य वृत्ताकार या माला के रूप में होता है। बीच में नर्तक बैठकर तथा जोड़ों में उठकर भी नृत्य करते हैं। नृत्य की अवधि व नर्तकों की संख्या निर्धारित नहीं होती। नृत्य के दौरान स्त्री व पुरुष विशेष प्रकार के आभूषण व वस्त्र धारण करते हैं। जो हमने सिर पर डाले हुए हैं, इसको कहते हैं हम प्रथपंग।
फिर इसके ऊपर हम फूल लगाते हैं, इसको बोलते हैं चमखा, और चमखा के साथ साथ में डालते बकरीकान। जो ये लाल जैसे फूल लगे हुए हैं इसको कहते हैं बकरीकान। जो माथे पर लगाया हुआ है इसको बोलते हैं हम फैसो, यानी कि चांदी का ये फैसो। जो पीछे लगाने का चीज़ है ये इसके साथ है, इसको बोलते हैं हम स्टब, जो हम पीछे से भी लगाया जाता है इसके लिए। जो कान में लगाने का चीज़ है ये इसको बोलते हैं हम सोने के कांटे। अब यहाँ से नीचे, मुँह से नीचे हम इसको बोलते हैं मुलू। जो गले में डाली हुई है इसको बोलते हैं हम तरमोले, सोने का तरमोले। ये चांदी का पिन। जो यहाँ पर है ये पट्टू में लगाने के लिए हम इसको बोलते हैं डिगरा। फिर जो गले में लगाया जाता है इसको बोलते हैं हम चंदर हार। ये है गुरशंगलन, इसको बोलते हैं हम मुलू जूटी। मुलू जूटी है जो कि हम इसमें सिर में के बाल में वो परंदा करके उसके बाद ये मुलू जूटी लगाते हैं। इसको हम दागलो कहते हैं जी, पहन के रखते हैं, ये दागलो है। ये हमारा सर की ताज टोपी पे कहते हैं, ये बनती है मखमल की, और इसमें ऊपर सिर के ऊपर फूल लगाया जाता है। ये है चमखा, ये बकरी कान, और ये अनमोल चीज़ बन जाता है इससे। ये घास द्वारा बनता है। तो ये हमारा किन्नौरी सर का ताज है, ये इसे अचकन कहते हैं। गाचिंग जो हम कमरे बांधते हैं इसे गाचिंग कहते हैं, और जो नीचे पहनते हैं हम इसे टॉपर से सुथन, और ये है टॉपर से जुराब कहते हैं। ये टॉपरू छाली। भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु के कारण नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ऊन के ही बने होते हैं। दूसरा नृत्य देवी देवताओं को समर्पित होता है। यह विशेषकर मंदिरों के प्रांगण में होता है। यह नृत्य मेलों व त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, विशेषकर फुलेज के अवसर पर, जब पौधों में फल फूल लगते हैं। ढकारनी के अवसर पर, जब फसलें पकती हैं, तथा दीपाल अर्थात दिवाली के त्योहार पर ये नृत्य होते हैं। नृत्य शुरू करने से पहले मंदिर में देव अर्चना की जाती है। इस नृत्य में नृत्य का नेतृत्व देवता का माली करता है। कुछ अवसरों पर इस नृत्य में आगे देवता चलते हैं। एक अन्य नर्तक देवजल लेकर छिड़कता हुआ तथा पिलाता हुआ माली के समांतर नृत्य करता हुआ चलता है।
मंदिर प्रांगण में नृत्य करते हुए अक्सर स्त्रियां आभूषण नहीं पहनती। इस नृत्य में नर्तकों की संख्या 10 या 12 से प्रारंभ होकर 100 या इससे अधिक भी हो जाती है। लोग नृत्यमाला में धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। नृत्य कई घंटों तक चलता रहता है। नृत्य प्रक्रिया शाम को या अगले दिन पूजन तक चलती रहती है। दोनों प्रकार के नृत्यों में आगे का नर्तक चामर लेकर चलता है, जिसे स्थानीय भाषा में गोजेगा कहते हैं। यह याक के बालों से बना होता है तथा इसकी मूठ चांदी या पीतल की बनी होती है। यहां के लोक नृत्यों में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। नृत्यों में अधिकतर वादक दल एक स्थान पर ही खड़े होकर वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा यदा कदा ही गति करते हैं। वादक किसी विशेष वेशभूषा को धारण नहीं करते। यहां के वाद्य यंत्रों में शहनाई, रणसिंघा, कनाल, ढोल, झांझ व नगाड़ा हैं। वाद्य यंत्रों में शहनाई का प्रयोग बहुतायत में होता है। शहनाई का अगला भाग चांदी का तथा पार्श्व भाग लकड़ी का बना होता है। इसकी लंबाई 18 इंच होती है। इसके ध्वनि यंत्र को डामुन कहा जाता है। दूसरा मुख्य वाद्य यंत्र ढोल है। यह सामान्य ढोलों से लंबाई में छोटा होता है तथा चौड़ाई में अधिक होता है। इसमें पीतल के खोल को बकरे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। कनाल एक अन्य विशेष वाद्य यंत्र है। यह पीतल का बना होता है। इसकी लंबाई 5 फुट की होती है। रणसिंघा यहां का एक अन्य विशिष्ट वाद्य यंत्र है। यह पीतल या तांबे से बना होता है। यहां प्रयुक्त होने वाला एक अन्य वाद्य यंत्र झांझ है। इसे स्थानीय भाषा में बुगजाल कहा जाता है। यह पीतल का बना होता है तथा विभिन्न आकारों में पाया जाता है। वाद्य यंत्रों में नगाड़े का प्रयोग भी होता है। यह तांबे या पीतल से तथा बकरे या भेड़ की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। यहां यह विभिन्न आकारों में पाया जाता है। ये सभी वाद्य यंत्र यहां के स्थानीय कारीगरों द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र स्थानीय देवताओं की अमानत होते हैं और इन्हें देवताओं की अनुमति से ही मंदिर से प्रयोग के लिए बाहर निकाला जाता है। किन्नौर के लोक जीवन, संस्कृति, गीत संगीत व नृत्य में आपसी तारतम्य बहुत गहन है। यह गहनता यहां की लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज बदलते परिवेश व समय ने किन्नौर के जनजीवन को भी प्रभावित किया है, लेकिन यहां की लोक संस्कृति व उसके घटक अभी इस परिवर्तन से अछूते हैं। यही कारण है कि किन्नौर के लोक नृत्य व अन्य सांस्कृतिक विधाएं अभी तक यहां की नई पीढ़ी के जीवन में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं।